नमस्कार मेरे प्रदेश के और देश के भ्रष्ट अधिकारियों, नमस्कार वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन संबोधन करता हूँ और तरीका है इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आया हूँ एक ऐसे सच के बारे में बात करने के लिए जिसे मैं लगातार आज से नहीं 2018 से बता रहा हूँ कि कोचिंग तंत्र में ये घटिया परंपरा चली आ रही है। आज आप जितने बड़े बड़े नाम आप चाहे यूपीएससी में देखें, चाहे एसएससी के फील्ड में देखें, चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी के फील्ड में देखें, जिन जो बहुत कॉरपोरेट सेक्टर जिन्हें कहा जाता है कोचिंग तंत्र में कॉरपोरेट सेक्टर, वो भ्रामक प्रचार, भ्रामक चैन फोटो, अवार्ड जैसे बहुत घिनौने हथकंडे अपनाती हैं छात्रों को फांसने के लिए। उनमें से एक जो बहुत घिनौना हथकंडा है और जिसमें भ्रष्ट कोचिंग तंत्र भी शामिल है और भ्रष्ट भविष्य के भावी अधिकारी भी शामिल हैं। हाँ, ये अभी लेटेस्ट में ये चला है कि 15 लाख में बिक गया एसएससी टॉपर और ये अब खरीदे गए दिखाए गए टॉपर, गांठे तोड़ दूंगा, ये वो दुनिया भर के अब ये इशू चल रहे हैं। ये बातें आज उठ रही हैं और इसके बारे में मुखर रूप से 2018 से मैं फेसबुक में लिख रहा हूं मैं, और इससे भी पहले मैं ये सत्य बताता रहा हूं कि यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, ये भ्रष्ट कोचिंग तंत्र और भावी भ्रष्ट जो अधिकारी होने वाले हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे एसएससी सीजीएल के क्षेत्र से आए, चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में आए, और ये परंपरा वास्तव में कोटा से शुरू हुई है। जो सेलेक्ट हो जाएं छात्र, उनको बड़ी चालाकी से पैसे देकर जो है, अभी बहुत सारे इशू हुए तो जो फर्स्ट रैंक थी उसे जो है उसने यूट्यूब में किसी न्यूज़ चैनल को बताया था, उसने कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन एक साल बाद जो है उसको दो तीन कोचिंगों ने अपने चैन में उसका प्रचार किया और लाखों स्टूडेंट को ठगे उस प्रचार के माध्यम से। क्योंकि यदि मान लो किसी चयनित छात्र को, कोई चयनित छात्र और यदि वो बिकाऊ है और वो बिक जाता है 15 लाख 20 लाख में या 25 लाख या 50 लाख तक, यूपीएससी का मामला है तो 50 लाख तक जा सकते हैं, 1 करोड़ तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे फर्स्ट रैंक या टॉपर चैन बताने से कोचिंग उनको 50 लाख देगी तो उससे 50 करोड़ से 100 करोड़ तक कमाती है। क्योंकि बड़ा आसान होता है मासूम छात्रों को या उन मासूम छात्रों के पालकों को जिनको ये घटिया सच नहीं पता होता है, उस तरीके से फांस लेना। 1.5 साल 2 साल बाद जो है वो छात्र जब समझेगा सच्चाइयां, तब तक बहुत कुछ जा चुका होता है। तो ये कोचिंग का बहुत काला सच है। ये तो अभी आ रहा है ये स्टिंग ऑपरेशन, इसके बारे में मैं 5 साल पहले से बोलता आया हूँ। देखिए, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी होता है और मैं ऐसे भ्रष्ट भाव जो सेलेक्ट होते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो अव्वल दर्जे के भ्रष्ट अधिकारी बनेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रदेश के भी ऐसे बहुत सारे ये चयनित छात्र हैं जो थोक के भाव में पैसे ले लेकर जो है कोचिंगों को अपने फोटो और फॉर्म देते हैं और उन कोचिंग के सेमिनार में जाकर बोलते हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ पढ़ा है। ये काला सत्य आप नहीं जानते। भ्रष्ट कोचिंग तंत्र और भ्रष्ट भविष्य के अधिकारी, ये दोनों मिलकर ये स्वांग रचते हैं और बहुत सारे प्रचार तंत्र में इस मासूम छात्रों को ठग कर फांसा जाता है। हजारों लाखों रुपए इस तरह से ठग लिए जाते हैं। और अब भी सवाल है, जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले बहुत सारे कोचिंगों के ऊपर सवाल उठाए हैं, बहुत सारे, और मैं नाम लेने से डरता नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे आपके मैंने वीडियो डाले हैं और आप यदि आप चाहें तो कोर्ट में घसीटें, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा आपको, आप साबित नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो ऐसे ऐसे कोचिंग तंत्र हैं, यही दुर्ग में अभी खुले हुए कॉरपोरेट कोचिंग तंत्र, एक भी छात्र जो है उनके कोर्स से पढ़ाया हुआ चयन नहीं हुआ, लेकिन बड़ी चालाकी से मक्कारी से चयन फोटो लेकर वो प्रचारित करते हैं और छात्रों को फांसते हैं और ठगते हैं, लाखों का प्रचार करते हैं, है ना? को साबित करोगे? जितने फोटो आपने लगा के रखे हैं, प्री या मेंस पढ़ाया है किसी को? और ये बता देता हूँ, भ्रामक प्रचार भी एक अपराध है। मैं थोड़ा संघर्ष में हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा हुआ, दिल्ली आईएएस जो आपने 3रा रैंक का प्रचार किया है वो आपके पास पढ़ा ही नहीं है, है ना? ये बहुत घटिया प्रचार तंत्र, केवल आप ही नहीं है, सृजन और ऐसे बहुत सारे जितने भी टॉप क्लास के आप देखेंगे, इन सब लोगों ने किसी तरह छात्रों की भीड़ इसी तरह इकट्ठी की है। किसी ने अवार्ड खरीद के एक घटिया तंत्र विकसित किया है, किसी ने भ्रामक प्रचार कर, किसी ने चयनितों को खरीद कर एक तंत्र विकसित किया, किसी ने चालाकी से प्री टेस्ट सीरीज या मेन्स टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू से चयन फोटो प्राप्त कर उन्हें प्रचारित कर अपने छात्रों को कोर्स के लिए फांसने का एक घटिया तंत्र विकसित किया है।
बताइए क्या ये सही है? ये घटिया भ्रामक प्रचार में आता है और ये घटिया और भ्रामक प्रचार एक अपराध है। आप लोग अपराधी, आप लोग जो इतने जितने भी कोचिंग संस्थान इस तरह से भ्रम का व्यापार करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं और ये फ्रेंचाइजी बांटते हैं। फ्रेंचाइजी एक नया स्कीम निकला है, फ्रेंचाइजी। कोचिंग जो है वो शिक्षक से होती है, किसी ब्रांड नेम या बोर्ड लगा देने से या लोगों से नहीं होती है। जो आप लोगों ने ये फ्रेंचाइजी का घटिया खेल शुरू किया है, इसमें आगे है आप बहुत सारे। फ्रेंचाइजी किसने किसने कहाँ कहाँ खोली है ये आप लोगों को पता है? या छात्र आप पता कीजिएगा कि किन की फ्रेंचाइजी चलती है यहाँ। शुरुआत में आपको वो जो घटिया मार्केटिंग और यूट्यूब से पॉपुलर हुए हैं वो शुरुआत में आपको सेमिनार में जाल फांसने के लिए आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा वो शिक्षक क्या एक शिक्षक मशीन है जो छत्तीसगढ़ में घूम घूम के सप्ताह भर पढ़ाएगा? सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। अयोग्य शिक्षक जो कोचिंग तंत्र को 15 लाख 20 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी खरीदते हैं और तय होता है कि महीना या फिर सालाना आप इतना पैसा कमा कर देंगे, आप हमारा ब्रांड यूज़ करेंगे और हम जितने चयनित फोटो बिलासपुर या रायपुर में प्रचारित करते हैं वो आप अपने द्वार पर लगा सकते हैं। और वो ये कौन सा भैया, ये क्या अपराध नहीं है? आपका वो फ्रेंचाइजी वो चैन फोटो लगाता है जो वो उसके यहाँ पड़े भी नहीं है, वो हालांकि वो फोटो भी आपने जो अपने हेड ऑफिस में लगाए हैं वो भी गलत तरीके से हासिल किए हैं। क्या यह ठगने का तंत्र नहीं है? तो छात्र, यदि आप मेरा यह वीडियो देखेंगे तो मैं इस कोचिंग तंत्र के बहुत घटिया पर्दे, बहुत घटिया राज बाहर निकालता हूं। आज भले आप ना समझे, आज नए मासूम छात्र, क्योंकि इनका शिकार ही वही है, 90% नए छात्र। कोचिंग में की भीड़ 90% नए छात्र होते हैं जो कॉलेज से या स्कूल से हर साल निकलते हैं, जिन्हें इन घटिया तरीकों का पता नहीं होता। और वो आभा मंडल चैन फोटो का द्वार पे आभा मंडल अवार्ड का आभा मंडल और लाखों का प्रचार जो यूट्यूब में ये स्टाइल से वीडियो बनाते हुए करते हैं, सूट बूट में आते हैं, सूट बूट के डकैत। मैं सामान्य आता हूं तो आपको लगता है कि मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं सच्चाई एक्सपोज करता हूं, जागरूकता अभियान चलाता हूं, कोचिंग तंत्र की मक्कारियां बताता हूं, तो आपको लगता है मैं गुंडा हूं, आपको पहचानना नहीं आता। मैं सामान्य रहता हूं, जैसा मैं हूं वैसा रहता हूं, तो आप जो है आपको मैं झूठा लगता हूँ। और ये सूट बूट पहन के चश्मा वश्मा लगा के बाल में तेल लगा के जो है मीठी मीठी बातें बोलकर और झूठे प्रचार से, झूठे चैन फोटो और झूठे झूठे स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम, आपको मैं बता दूँ ये जो स्कॉलरशिप बैच शुरू होने से पहले स्कॉलरशिप जो लेने की योजना दिल्ली IAS और कोको जैसे संस्थान चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, क्या है इसका मकसद? इसका मकसद है कि जितने तैयार ब्रिलियंट छात्र हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो वहाँ उस संस्था में जाएंगे इनाम के लालच में, 1 लाख टैबलेट 50,000 और इनके फोटो फॉर्म हासिल हो जाएंगे। और वो उस कोचिंग में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 3 साल 4 साल 2 साल बाद जब भी वो छात्र चयनित होगा उसे अपना चयन फोटो लगा के प्रचारित करेंगे। और इस तरह पैसों के लालच में, इनाम के लालच में जो तैयार छात्र होते हैं वो चले जाते हैं और वहाँ अपना फोटो फॉर्म हस्ताक्षर दे आते हैं। ये है कोचिंग तंत्र, शिक्षा के घटिया डकैत व्यापारी, यही है, यही छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहा है और जिसके विरुद्ध मैं बोलता हूँ और जिसके विरुद्ध जो है सारी मक्कार कोचिंग लॉबी एक हो जाती है और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करती। अरे शेर की तरह जिया हूँ, शेर की तरह जीऊँगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मेरे प्रश्नों का जवाब देने की, तुम दे नहीं पाओगे। या तो मैं खुली चुनौती देता हूँ, कोर्ट में आओ, यदि मैं सत्य नहीं हूं तो कोर्ट में चुनौती दो मुझे, मैं बताता हूं। शिक्षक बने फिरते हैं तो छात्र आप लोगों का जागरूक होना जरूरी है। हाँ, मेरा एक स्वार्थ है क्योंकि मैं इस तरह के झूठे प्रचार नहीं कर सकता, मैं इस तरह की मक्कारी नहीं कर सकता, तो ये पूरे मक्कार कोचिंग तंत्र जो है वो मेरे जैसे और भी कई होंगे जो इस झूठे प्रचार का, इस मक्कारी का, इस डकैती का हिस्सा नहीं है, उन्हें ये लोग जीने नहीं देते, वो छात्रों को द्वार तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि झूठ और मक्कारी से और पैसों के बल पर और झूठे प्रचार तंत्र से, झूठे चयन तंत्र से ये छात्रों को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन छात्रों को जो ये जानते ही नहीं। और जो छात्र चोट खा चुके हैं इनसे वो जानते हैं, वो दोबारा तो कोचिंग करेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी कोचिंग में
किसी भी कोचिंग की 95% जो कमाई होती है वो नए छात्रों से होती है जो स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश लिया है और एडमिशन लिया है या कॉलेज कंप्लीट किया है और एडमिशन लिया है और जो इस दुनिया के इस कोचिंग तंत्र की मक्कारियों से झूठ से अनजान होते हैं। भविष्य के वो सारे भ्रष्ट अधिकारी, मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में जिस तरह का कोचिंग तंत्र को नकेल कसने के लिए कानून बना है उस तरह के कानून की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में भी है, यद्यपि पूरे देश में भी है। मैंने पीएम ऑफिस में लेटर लिखा है, 4-5 बार लेटर लिख चुका हूँ, कभी तो नजर जाएगी उनकी। और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत जल्द एक कानून बनेगा। इस शिक्षा जैसे जहाँ बेरोजगारों के सपनों को बेचा जाता है मक्कारी से, उनसे डकैती की जाती है, बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं झूठे और डकैती की जाती है। या हिम्मत हो तो मेरी जो नीतियां हैं ब्यूरोक्रेट्स की जो मैं दुर्ग में चलाता हूं करके दिखाओ, करके दिखाओ, तब तो पता चले कि कितने योग्य हो जो ये झूठे प्रचार तंत्र से योग्य और सर्वाधिक चयन देने वाले और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का जो ये झूठा औरा और झूठा जाल बिछा के छात्रों को फांसने का रखा है। मैं फिर भी मैं कभी गिड़गिड़ाता नहीं और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दे। फिर भी मैं उन छात्रों से अपील करूंगा कि जो इस प्रचार तंत्र का, इस झूठे कोचिंग तंत्र का शिकार हो चुके हैं, आप अपने हर उस नए छात्रों को अपने अड़ोस पड़ोस में जो आपके जानकार हो उनको ये बताएं, कोचिंग तंत्र की जो मक्कारियां मैं एक्सपोज करता हूं उन्हें जागरूक करें। बस इसी निवेदन के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। दिस इज लक्ष्मीकांत हियर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स।